सरयू राय जैसे ही बागी तेवर दिखाए भारतीय जनता पार्टी से, ठीक उसी वक्त उनके पक्ष में जेडीयू के सभी वरिष्ठ नेता खड़े हो गए। यहां तक कि ये भी सुनने में आ रहा था कि उनके लिए जेडीयू में पूरे तरीके से स्वागत के लिए जेडीयू तैयार है। खुद ललन सिंह ने ये कहा था कि जेडीयू जो है वो पूरे तरीके से सपोर्ट करती है सरयू राय की झारखंड विधानसभा चुनाव में। इसी मुद्दे पर हम हमारे साथ और विस्तार से बात करने के लिए जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रहे नरेंद्र सिंह है। सर, आप यहाँ सरयू राय के सपोर्ट में आए हैं, आखिर क्या वजह है? सबसे पहली वजह हम टेक्निकली जानना चाहेंगे, बीजेपी से उनका अलग होना। देखिए, बीजेपी से अलग होना, वो तो अलग हुए नहीं, उनको अलग किया गया, उनको अपमानित किया गया। सरयू राय मेरे साथी रहे हैं, साथी क्या, हमारे सहयोगी के रूप में 1968-69 से, जब हम लोग पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, मैं वहाँ जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ता था, तो ये मेरे समर्थक हुआ करते थे और ये मेरी मदद करते थे। तब से फिर 74 आंदोलन के साथी हैं, 19 महीने जेल में रहे और एक तपे तपाए संघर्षशील व्यक्तित्व तो जिसको कहिए वो सरयू राय में है। सरयू राय जैसे व्यक्ति को टिकट नहीं देना, मैं समझता हूँ सरयू राय का अपमान नहीं है, बल्कि ये झारखंड और पूरे देश की ईमानदार इंसान और जो भी ईमानदार राजनीतिज्ञ हैं, आम जनता है, उनका अपमान हुआ है। और हम लोगों ने इसलिए फैसला किया कि सरयू राय को हर हाल में सदन में जाना चाहिए। जो रघुवर दास हैं वो यहाँ पिछले 5 साल से झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने झारखंड को विनाश की ओर पहुंचाया है। जात पात, गुंडा, बदमाश, क्रिमिनल को इन्होंने महत्व दिया है, इन्होंने विकास को नहीं। और अपने भाई भतीजा, अभी हमें जानकारी मिली कि इनके भतीजे ने दरोगा को पीटा, इनके परिवार के लोगों ने प्रशासन पर हावी होने का काम किया है। ये एक परिवार की सरकार चला रहे थे, अपने मंत्रियों अपने विधायकों की भी उपेक्षा करते थे, और सरयू राय जैसे व्यक्ति, अकेला आदमी जो जयप्रकाश नारायण की नीतियों पर चलने वाला, संपूर्ण क्रांति की नीतियों पर चलने वाला व्यक्ति, इनको इनके हर कदम का कैबिनेट में रहते हुए विरोध करते थे, इसलिए इनका टिकट काटा गया। सरयू राय का मतलब सत्य के लिए लड़ने वाला, सरयू राय का मतलब अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने वाला, और मैं इसलिए इनके समर्थन में आज यहाँ आया हूँ। यहाँ और भी हमारी पार्टी के लोग आने वाले हैं, हो सकता है कि वो भी आए, लेकिन मैं आ गया हूँ और सरयू राय की जीत यहाँ होगी। रघुवर दास एक, समझिए कि इस इलाके के लिए, पूरे झारखंड के लिए एक बड़ा विकराल राक्षस के रूप में है, वो राक्षस का वध सरयू राय के हाथों होगा। ठीक है, ताली 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 ना बजाए। आपने जो कहा है वो बात ठीक है, लेकिन बिहार में आप बीजेपी के साथ हैं, झारखंड में आप बीजेपी से अलग चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं सरयू राय का आप सपोर्ट करें, आपको नहीं लगता है बिहार विधानसभा भी बहुत करीब है, उस पर भी ये सारी चीज़? आप देखिए, बीजेपी से हमारा समझौता सिर्फ बिहार में है जी, पूरे देश में नहीं है। एक राज्य में इस गठबंधन है, वहाँ चल रहा है ठीक ठाक, और हम फ्री हैं देश के दूसरे हिस्सों में लड़ने के लिए। कोई राष्ट्रव्यापी हमारा, हम उन्हीं वहीं रह के सिमट के रह जाएंगे क्या? हमारे, हमको राष्ट्रीय पार्टी बननी है तो हम पूरे राष्ट्र में हर जगह चुनाव लड़ेंगे, और इसलिए हमारा अलायंस वहाँ है और अच्छा अलायंस है, और दोनों मिलके वहाँ सरकार चला रहे हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। झारखंड अलग राज्य हो गया तो अलग चुनाव हो रहा है, यहाँ हमारी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं, और मान लीजिए यहाँ हमने उम्मीदवार नहीं दिया तो हमने सरयू राय जी को समर्थन किया, तो सरयू राय जी को समर्थन दिया है, इसलिए कि हमारा अलायंस बिहार में है। झारखंड में हम अलायंस तोड़कर नहीं है लड़ रहे हैं, अलायंस यहाँ है ही नहीं। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व तो वही है जो बिहार में है, वही झारखंड में भी है, नीतीश कुमार की बातचीत भी उसी एक केंद्रीय नेतृत्व से होती है, बिहार के लिए भी और झारखंड के लिए भी, तो दोनों के विचारधारा में बहुत अंतर है। कैसे आप इस गठबंधन को बिहार में चला रहे हैं और क्यों इस गठबंधन को आप झारखंड में नहीं ला पाए? नहीं, वहाँ कुछ कार्यक्रमों पर, कुछ वहाँ बिहार के विकास पर, कई मुद्दों पर साझा प्रोग्राम बना और उस प्रोग्राम के समझौते के मुताबिक वहाँ की सरकार चल रही है। हमारी पार्टियों में बहुत भिन्नता है और उनकी पार्टी में भिन्नता है,
उन अभिनेताओं की चर्चा करने का अवसर नहीं है और आप उतना दिखा भी नहीं पाएंगे, इसलिए उस पर चर्चा बेकार है। सिर्फ हम यहाँ बिहार के लिए बिहार की जनता के हित के लिए कुछ कार्यक्रमों पर, कुछ मुद्दों पर, हमारा बिहार में गठबंधन है और देश के किसी हिस्से में गठबंधन नहीं है। अगर आगे कभी भविष्य में होगा तो देखा जाएगा, लेकिन आज के डेट पर हमारा कोई गठबंधन नहीं है। हम दिल्ली में भी चुनाव हमारी पार्टी लड़ेगी, झारखंड में भी लड़ेगी और जिन राज्यों में चुनाव होंगे वहाँ लड़ेंगे, बिहार में हम मिलकर लड़ेंगे। आखिरी सवाल, बकौल वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, आपको क्या लग रहा है झारखंड की राजनीति में क्या उथल पुथल मचने वाला, और पूर्वी जमशेदपुर के विधानसभा क्षेत्र में आप क्या बदलाव देख रहे हैं? ये पूर्वी जमशेदपुर के इस क्षेत्र में तो मैं यही देख रहा हूँ कि यहाँ जो 5 बार से शांत विधायक रहे, यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, उनकी जमानत जब्त होने वाली है, और सरजू राय विशाल बहुमत से जीतने वाले हैं। एक चरित्रवान व्यक्ति, एक न्यायप्रिय आदमी, एक संघर्षशील आदमी, एक ईमानदार व्यक्ति के पीछे पूरी पूर्वी जमशेदपुर की जनता आज खड़ी है। जात धर्म का कोई दीवार नहीं है, सारे जात धर्म के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग आज सरजू राय के साथ हैं। आप क्या देख रहे हैं राजनीति में, क्या उथल पुथल होने वाली है 2020 में, किसकी सरकार आपके नजर में आने वाली बकौल वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, पॉलिटिक्स का कितने करीब? अब देखिए, वो राज्य में अभी चुनाव के बाद ही ये कोई गणना हो सकता है। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ कि आगे क्या होगा, लेकिन अब देखिए क्या होगा चुनाव में। सरप्राइजिंग देखने को मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। हाँ, अकेले नहीं सरकार बनेगी किसी की, जोड़ तोड़ के ही सरकार बनेगी। अकेले सरकार नहीं बनेगी, जोड़ तोड़ के ही सरकार बनेगी, ये कहना था जेडीयू के वरिष्ठ नेता का, जिन्होंने साफ तौर पर कहा। खैर, जेडीयू यहाँ सरयू राय को खुल के सपोर्ट कर रही है, ये शुरू से ललन सिंह ने क्लियर कर दिया था। नीतीश कुमार ने भी कहा था अगर जरूरत पड़े तो शायद वो भी यहाँ पे उनके प्रचार प्रसार में आएंगे। बहरहाल, हमें भी इंतजार रहेगा कि क्या नीतीश कुमार अगर यहाँ आते हैं तो बिहार की विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर देखने को मिलेगा। बहरहाल, हम पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में, जो पूर्वी जमशेदपुर विधानसभा क्षेत्र है, उसका हम दोनों पहलू आपके सामने ला रहे हैं कि किस तरीके से लोग दो धड़े में बटे हुए, उसका हमने सुबह भी जो विजुअल भेजा था और अभी भी जो हम दिखा रहे हैं साफ तौर पे आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसी हर खबर के लिए, हर डिटेल और छोटी छोटी खबरों के लिए आपको बने रहना होगा सिटी पोस्ट के साथ। सिटी पोस्ट हर खबर आप तक पहुंचाता रहेगा। नमस्कार।